प्रोग्राम 2018 में शुरू किया था और हमारा ये ख्याल था कि हम 100 बच्चियां कराएंगे और देखेंगे क्या होता है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आया है। सिर्फ कराची में जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, 1000 से ज़्यादा बच्चियों को, उसका सक्सेस रेट 67% है। इसका ये मतलब नहीं है कि 67% बच्चियाँ पास हो गई हैं, नहीं, वो तो हमारा मेरे ख्याल है कि 88% समथिंग है। इसका मतलब ये है कि 67% बच्चियों को जॉब्स मिल गई हैं वहाँ पे और वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर दिया है वहाँ पे। ठीक है, जैनिस साहब और रब्बानी साहब ने 2020 से ऑनवर्ड हमारे यहाँ आईटी के मैदान में थ्रू कोड गर्ल्स और K2 डेटेक वगैरह के जरिए से आप लोगों ने हमारे बच्चों को इंगेज किया। इनको जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से न सिर्फ आप लोगों ने अवेयरनेस दी बल्कि इनको ट्रेन किया, एक्सपर्ट बनाया। और मुझे उम्मीद है आपकी ये काविशें और अब ये 3-4 सालों में आपने जितने बच्चे बच्चियों को नौजवानों को आगे ले आए हैं, कोई वजह नहीं है कि अगले 2-4 सालों में गिलगित बल्तिस्तान बिलखसूस बल्तिस्तान के अंदर बहुत बड़ा माशी एलमी और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत बड़े इनकलाब बर्पा होंगे। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड आई होप कि आप लोगों ने वो ऑब्जेक्टिव जो इस कोर्स के थ्रू आपने अचीव कर लिए हैं। एंड आई मस्ट से थैंक यू टू मिस शमीम राजानी फॉर कंडक्टिंग थर्ड ग्रेजुएशन सेरेमनी ओवर हियर। और ये कंट्रीब्यूशन है जो इस बल्तिस्तान के लिए मिस शमीम राजानी की तरफ से एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम KRSB। तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है जी कि हम लोग एज एन KRSP एज एन अकेडियन फ्यूचर ऑफ वर्क के हवाले से और 21st सेंचुरी स्किल के हवाले से पिछले कोई 8-10 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं इस पर। तो इसका बुनियादी मकसद यही है जी कि हमारे जो नौजवान हैं वो अपने लिए रोज़गार खुद ढूंढें। तो बड़ी खुशी होती है जब हमारे यूथ जो है वो फ्यूचर ऑफ वर्क के हवाले से फ्रीलांसिंग और IT में अपना हुनर सीख रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो वुमन जितनी इंटेलेक्चुअली IT में परसीव कर सकती हैं, प्रोग्रामर्स अच्छी बन सकती हैं, उतने मेरे ख्याल से आई एम सॉरी फॉर द मेल साइड बट दे आर नॉट परसीविंग दैट साइड। क्योंकि लास्ट 12 सालों में मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही हूँ और मेरे ख्याल से बच्चियाँ जितना जो है क्रिटिकल थिंकिंग लग सकती हैं, जितनी प्रॉब्लम्स को जो है वो कोल्डली सॉल्व आउट कर सकती हैं, इतना ज़्यादा मेंटली जो है ना वो इतने ज़्यादा असिस्ट नहीं कर सकते। दीपक इन कोड गर्ल्स मैडम शमीम राजानी साहबा को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि कंटिन्यूसली इनकी तीसरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है जो कि बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ रही है और जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स से प्रस्तुत हो रहे हैं उनके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले जो दौर में वक्त आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब 150 हमने तो ट्रेन किए हैं, 200 के करीब हमारे MOU भी है, हमारे कोर्सेज जारी हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, इससे यह कि वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी लाजमी है इस माशरे के अंदर। हमें हम ग्रो क्यों नहीं करते हैं? बल्ती लोग इसलिए नहीं करते हैं, यहाँ पे कमाने वाला एक है, रोटी तोड़ने वाला 8 होते हैं। ठीक है, और एक बंदे की कमाई पे मेडिकल भी उसी के खाते में आ जाता है, उसके एजुकेशन भी उसी के खाते में आते हैं। तो सारे काम करने के लिए जो है ना वो एक बंदे की जो अर्निंग है वो इनसफिशिएंट हो जाता है। मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूं आगे और मैं अपना एक टेक कंपनी स्टार्ट करूं। जी मेरा फ्यूचर प्लान है।